2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. So that is the first point. The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. Thank you. Thank you, sir. Dr. Paul. Thank you. Important points have already been made today, and we brought forth significant information to you. But let's also not lose sight of a very significant achievement that the nation has clocked today. 125 crore vaccine ki doses aaj puri ho gayi hain, lag gayi hain is desh mein. Aur iske saath saath 84% adult population mein 84% ka coverage single first dose ka hua hai, aur 49% 49% vyask पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो दो डोज से कवर हो गई है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. वी वर आल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटेक हुआ है, और दूसरी डोज में 12%, जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है, और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरियंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति अडल्ट वयस्क जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयरनेस को भी चिन्हित किया गया है, और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है. विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं. The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we referred to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds,
we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है. हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया. इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं. जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है. तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे. क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है. वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है. सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें. ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड. और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे. मैम, जैसे हमने आपको बताया जो दो केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज. लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉक के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है. तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है. तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें. तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है. सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है. RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं. तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सिक्वेंसिंगली सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सिक्वेंसिंग लैब से जहाँ पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा. सर, सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में. तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीशन या ट्रीटमेंट के डिसीशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीशन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है. डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव. दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. जब कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है. इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है. इतना बड़ा डिसीशन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नज़र है. इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन यू नो ऑन अ प्री डिफाइंड डेज, और इट्स एन ऑनगोइंग डिस्कशन विद इन आर टेक्निकल एंड साइंटिफिक सर्कल्स एंड सिस्टम एंड कमिटीज एंड द रिपोर्टिंग सिस्टम दैट वी हैव. ऑल दैट इज बीइंग केयरफुली एग्जामिन्ड और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसी इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे.
हम आपसे इस विषय में बताना चाहेंगे, आपको हमने WHO के एडवाइस के बारे में भी बताया था, तो जैसे सर ने बताया है, सबसे पहले इस न्यू वेरिएंट के बारे में अभी बहुत से तथ्य साइंस के द्वारा सामने आने हैं, तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लें फ्यूचर में, वह साइंस क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है, और उससे एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या डिफाइन होके हमारे सामने आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। और उसी के तहत ही जैसे ही देश में पता लगा कि पूरे विश्व में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डेजिग्नेट किया है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर कार्य कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री पर उसकी मॉनिटरिंग की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर भी उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की गई, माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर उस पर रिव्यू मीटिंग करके स्टेट से डिस्कस करके हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। नंबर 11 सर, नितिन बोल रहा हूँ DD न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर सुजीत सिंह से है। सर, 26 तारीख के बाद WHO ने वेरियंट्स ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया, तब से लेके अब तक कितने पैसेंजर की स्क्रीनिंग हुई है और कितने जीनम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने, और उसका क्या रिजल्ट रहा?